मानव गैंगरेप मामले के 11 दोषियों ने गोधरा के सब जेल में किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत बढ़ाने से किया था इनकार। कांदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुजरात के वर्ष 2002 के दंगों में गोधरा में बिल्किस बानो और अन्य कई ऐसी मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया। कई लोगों की हत्याएं की गई, बच्चों की हत्याएं की गई और रेप किए गए। इन्हीं मामलों में मुंबई कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गोधरा कांड के बिल्किस बानो गैंग रेप कांड के 11 दोषियों को आजीवन कारावास सुनाई गई थी और ये सजा सुनाने के बाद इन्हें फिर गुजरात सरकार ने रेमिशन यानी माफी की जो नीति होती है पॉलिसी रेमिशन पॉलिसी के तहत इनको माफी भी दे दी। बिल्किस बानो समेत कई राजनीतिज्ञों और सामाजिक संस्थाओं ने और कानून को लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस बीबी नागरत्ना और उज्जैन भुयाल इन दोनों जजों की बेंच ने इस रेमिशन को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया था। 2 सप्ताह में इन 11 दोषियों को फिर से जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था, मगर इन 11 दोषियों ने सरेंडर नहीं किया। इनमें से लगभग 9 लोग तो जो है वो पुलिस के भी संपर्क में नहीं थे। पुलिस उन्हें अनट्रेसेबल बता रही थी, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा ऐसा कह रही थी। इसी बीच 3 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मोहलत बढ़ाने की याचिका दायर की फिर से जस्टिस बीवी नागरत्न और उज्जैन भुयाल की बेंच के सामने, मगर इन्होंने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमने आपको पहले ही उचित अवधि दे दी है। सही, हमने आपको समय दिया था 15 दिनों का समय दिया था, तो आपको सरेंडर करना चाहिए, इसमें कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मोहलत बढ़ाने के इनकार करने के बाद इन 11 दोषियों ने 21 जनवरी की रात को एक बंद कार में आकर के पंचमहल जिला गुजरात यहाँ की गोधरा की जो सब जेल है वहां पर सरेंडर कर दिया। फिर एक बार ये 11 दोषी जेल तो पहुंच चुके हैं, मगर अब इसमें क्या सिस्टम और सरकारें नया खेल खेलती है वो भी जल्द ही सामने आएगा। ले 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 ले